बिहार के पांच युवकों को अजमेर में काम दिलवाने के बहाने लाकर बनाया बंधक। आरोपियों ने मारपीट कर 5-5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। पीड़ितों ने जैसे तैसे परिजनों से संपर्क कर पुलिस को दी शिकायत। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 अन्य की तलाश जारी। बिहार के 5 युवकों को अजमेर में काम दिलवाने के नाम पर यहां लाकर एक होटल में ठहरा कर बंधक बनाने और फिर उनसे फिरौती मांगने के मामले में दर्ज मुकदमे में क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। पीड़ित युवक ने आरोपियों पर धोखे से बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट करने और 5-5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा क्रिश्चनगंज थाने में दर्ज कराया था। क्रिश्चनगंज थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि जिला बक्सर बिहार निवासी वीरेंद्र कुमार ओझा ने थाने पर दी रिपोर्ट में बताया है कि मिल्कीपुर अयोध्या निवासी अखिलेश यादव अजमेर में काम दिलाने का आश्वासन देकर उसके अन्य दोस्त अभिषेक, यशवंत और सोमेंद्र और सिद्धार्थ को लेकर अजमेर आया था और सभी को होटल शिवम पैलेस में ठहरा दिया था। पीड़ित आरोप लगाया कि अखिलेश का धर्मेश्वर गौड़ नामक व्यक्ति से पुराना लेन देन का कोई विवाद चल रहा था। इस चक्कर में अखिलेश उन्हें होटल में ही छोड़कर भाग छूटा। इसके बाद आरोपी धर्मेश्वर गौड़ ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती हम सभी लोगों को गाड़ी में बिठाया और एक गांव में ले गए। वहां बंधक बनाकर मारपीट की गई। उनके फ़ोन से अखिलेश को बुलाने के लिए आरोपी प्रयास करते रहे। दूसरे दिन वापस होटल के कमरे में लाकर फिर से उन्हें बंद कर दिया गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा 5-5 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई। बाद में उसके एटीएम से 20,000 रुपये और उसके दूसरे दोस्त सिद्धार्थ से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने परिजनों से संपर्क कर पुलिस को सूचना करवाई। इसके बाद आरोपी उन्हें होटल में छोड़कर भाग छूटे। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस फिरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में अनुसंधान जारी है। दिनांक 12/11/2024 को विशाल ओझा नाम के व्यक्ति ने थाने पर उपस्थित रिपोर्ट दी थी कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ यूपी से यहाँ आया था अजमेर। उसका साथी एक अखिलेश कुमार, जिसने उसको ये कहा था कि यार अजमेर में मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। उस काम के लिए ये लोग इसके साथ आ गए थे। अखिलेश चूँकि बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने यहाँ के कुछ लोकल लोगों से संपर्क करके अखिलेश तो वापस यूपी चला गया और इन लोगों को उसने बंधक बना दिया जो यहाँ के लोग थे, और इन लोगों को बंधक बना के यहाँ पर रखा गया। इसकी सूचना पे अपहरण का मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे में 4 मुलजिम दीपेंद्र उर्फ दीपू, पुत्र किशन सिंह 24 साल राजपूत, राजपूतों का मोहल्ला रूपनगढ़, दारा सिंह गुजर पुत्र मंगलाराम गुजर निवासी हिरणी कुचामन सिटी, राजेंद्र बावरी पुत्र विष्णु 19 साल बावरियों का मोहल्ला रूपनगढ़, और उस्मान खान पुत्र सराजुद्दीन खान निवासी राजपूतों का मोहल्ला रूपनगढ़ को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने इन 5 व्यक्तियों को यहाँ पर बंधक बना रखा था और इनके घर वालों से फिरौती के पैसे मांगे थे कि अब तुम्हें वापस घर जाना है तो 5-5 लाख रुपए पर मेंबर तुम 5-5 लाख रुपए मुझे दो और तब हम तुम्हें वापस यहाँ से जाने देंगे। उस पर सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर इन लोगों को वहाँ से छुड़ाया गया, इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे इसमें इसका एक मुख्य अभियुक्त है धर्मेश्वर गौड़ उर्फ फैनी उर्फ सुभाष उर्फ दाऊद, ये परवेश्वर नागौर का है, इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके जो अन्य और साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दीपेंद्र सिंह के खिलाफ ऑलरेडी 9 मुकदमे पूर्व में दर्ज है और उस्मान के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है।